मगर आज आपने इतनी जल्दी अचानक दुबई जाने का फैसला कर लिया। तो क्या करता, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास अरताज। हाँ हाँ, तुम गाड़ी में जाके बैठो। ये पहलवान बात कर रहा है ना? देखो दावर, हम तो डर गए थे। क्या बता सकते हैं मुझे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? यार तुझे कहा भी है कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, शाम तक पता करवा दूंगा तुझे। रबिश की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरे घर में ही है। वाकई? क्या कह रहा है यार? जी लाला के मेहमान है वो। फिर तो तू गया बच्चू, अब तो तेरी खैर नहीं। अच्छा तो गई यार। वो कैसे? उन्होंने लाला के सामने मुझे पहचाने नहीं। हम्म, क्या मतलब? मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, लाला आ रहा है। दावर जी। लाला, कौन सा तरीका था मेहमानों के सामने ऐसे पेश आते? वो एक्चुअली लाला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तबीयत खराब है। तो शाम की चाय पे मिल लूंगा उनसे। देखो ये लोग कुछ दिन यही रहेंगे, तब तक मुझे तुम्हारी तबीयत और एटीट्यूड दोनों सही चाहिए। हम्म, जी लाला बेहतर। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। उम्मीद भी यही रखता हूँ, दोबारा नहीं कहूंगा। जी बेहतर, ख्याल रखो अपना। अच्छा लाला, वो कल रात के लिए आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही भूल गया। मुझे तो याद भी नहीं था, पर अच्छा लगा तुझे एहसास हो गया। ख्याल रख अपना और अपनी तबीयत का भी। वैसे उस लड़की ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? उसको पहचानने से इनकार इसलिए किया था क्योंकि मुझे उसकी आंखों में नदामत नजर आई थी। तुम आंखें भी पढ़ लेती हो? मर्द की आंखें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस एक नजर उठाकर देख लो, सब कुछ हयां कर देती हैं। यार तुम इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर लेती हो? इसलिए कि मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। और हाँ प्लीज, जितने दिन हम यहाँ हैं ना, कोशिश करना कि कम ही बोलो। लो जी, अब मेरे बोलने पे भी पाबंदी लगा दी। जी क्योंकि यू टॉक नॉनसेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। आगा जानी। जी आगा जानी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। कैसी हो बेटा, खैरियत से पहुंच गई? जी आगा जानी। मौसम कैसा है वहाँ का? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। क्यों? ये चंद ही घंटे तो हुए मुझे यहाँ पहुँचे हुए और आप उदास भी हो गए, ये क्या बात हुई आगा जानी? पहली बार उससे दूर किया है तुम्हें इसलिए। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी के बगैर रहने की आदत बिल्कुल नहीं है। कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। जी ठीक है। बात सुनो, मेरे भाई को देखा? जरा बुला के लाना। अरे पप्पू, मैं करता हूँ। हाँ बेटा, बारी ठीक है ना? पप्पू, मैडम साहब का गुस्सा कम हुआ क्या? नहीं, मेरे से तो वो बात ही नहीं कर रही और ईमान को अभी तक डांटे पड़ रही। कहाँ है ईमान? इधर ही, लेकिन तुम अभी मत मिलना उससे, सारा गुस्सा तुम पे निकाल देगी। जानता हूँ, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, कोई और होता ना तूफान खड़ा कर दे। मगर पप्पो, उनके अपने बेटे की भी जो गलती थी ना, ईमान ने कौन सा अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई? हाँ ये तो बेगम साहिबा की बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बेटे की गलती मान ली, वरना ये बड़े लोग कहाँ अपनी गलतियां मानते। वो रुकैया का किस्सा याद है तुम्हें?
उसकी बेगम ने चोरी का इल्जाम लगाकर उसको जेल भिजवा दिया, जबकि उसकी गलती नहीं थी। बाद में बेगम साहब को पता चला कि उनके बेटे ने चोरी की है, लेकिन फिर भी उसको जेल के दिन तो भुगतने पड़े ना। आप कहते तो बिल्कुल ठीक रही है। अच्छा, कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देता हूँ। बेटा अभी तो तुम जाओ। ठीक, बस आपने अपनी दवाई वक्त पर लेनी है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, शाम को फोन करूंगी। मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आया था। किस बात का? लाला के सामने मेरा भरम रखने के लिए थैंक यू। अगर थैंक यू की बजाय तुम सॉरी कहते तो ज्यादा मुनासिब होता। सॉरी? अच्छा चलो, आई एम सॉरी एंड आई होप कि आप मेरी इस अपॉलजी को एक्सेप्ट करेंगे। अपने दिल में कुछ नहीं रखती। तुमने जब मुझे देखकर अपना मुंह छुपाया था तो तभी माफ कर दिया था मैंने तुम्हें। मुंह मैंने आपके डर से नहीं, लाला को देख के छुपाया था मैंने अपना मुंह। और मैं आपके डर को शर्मिंदगी समझ बैठी। अब आप शर्मिंदा करेंगे मुझे? खैर, मेहमान है आप हमारे, आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो, यू कैन फील फ्री टू टॉक टू मी। मालिक हैं हम इस गांव के। गांव के मालिक हो, गांव वालों के नहीं। हाँ सुनो। जी। कहाँ जा रही? मेहमानों के लिए चाय लेके जा रही हूँ चौधरी साहब। इन मेहमानों का खास ख्याल रखना है और इनकी हर नकल व हरकत पर खास नजर भी रखनी है। बेहतर चौधरी साहब। और इस बात की लाला को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी जी। अब खड़ी क्यों, जाओ यहाँ से। भाई, आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? ऑफिस का कुछ काम समझने की कोशिश कर रहा था। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑफिस का काम? ये कोई मजाक था क्या? No, I'm serious. बेक्स ने डिसाइड किया है कि कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। सीरियसली? बेक्स, तुम जानती तो हो बाबा मेरी वजह से दुबई गए, वरना वो कहाँ जाना चाह रहे थे? Seriously, I'm feeling very, very guilty now. मैं उनके पास हूं तो उनकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर उनके दूर जाने के बाद उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। सर, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। I swear, बाबा तो बहुत खुश होंगे। I hope so. अच्छा खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें। जो दिल मैं कर दो ऑर्डर। तो आप नहीं खाएंगे? खाऊंगा तो सही, बात तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं अपना खाना शेयर करने वाली। अच्छा ठीक है, जाओ ऑर्डर कर लो, और जो अपने लिए कर लिए वो मेरे लिए भी कर लेना, लेकिन अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो ना। ओके, जा रही हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे उठ गए क्या? जी जी, वो तो नाश्ता भी करके चले गए। छोटी बीबी कॉलेज चली गई है और हारिब ऑफिस। हारिब और ऑफिस? जी, कहकर तो यही गए थे।
अच्छा जाओ मेरे रूम से मेरा मोबाइल तो लेकर आओ जरा। जी चल बेटा ऑफिस तो आ गया, अब बाबा को सरप्राइज देते हैं। लेकिन अगर अपने नंबर से किया तो हो सकता है वो मेरा फोन उठाए ही ना। ऑफिस के नंबर से करता हूं। हेलो हेलो बाबा, तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हो? ऑफिस में काम काम। जी बाबा आप फिक्र ना करें, मैं ऑफिस में कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा। आखिर आपका बेटा एमबीए है, कोई मजाक तो नहीं है? नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन यूं अचानक? हाँ बाबा, मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया था, लेकिन मैं आपको मजीद कोई टेंशन नहीं दूंगा। सुन रहे ना आप, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब वो ही करूंगा जिसमें आपकी खुशी है। नहीं नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहीं तुम्हारा ये फैसला जज्बाती तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आपका बेटा जब किसी बात का इरादा कर ले तो उसे पूरे दिल से करता है, पीछे नहीं हटता। That's my boy. मैं तनवीर से कह दूंगा, वो तुम्हें गाइड कर देगा। ओके बॉस। बाबा, इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया ना? क्या बच्चों जैसी बात करते हो। अरे माफ तो मैंने तुम्हें उसी पल कर दिया था। एक बात याद रखना, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों के लिए दिल में कोई बात नहीं रखते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। लव यू टू। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, आप कुछ काम भी कर लो। यू टेक केयर, बाय। तुमने हारिब जी की शर्ट क्यों पहन रखी है? क्यों पहन रखी है बताओ मुझे, क्यों पहनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात तो सुन, तुमने क्यों पहनी ये शर्ट? तुम बात तो सुन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, मुंह पे 12 क्यों बचे हैं? कुछ नहीं यार। क्या मतलब कुछ नहीं, बैग्स की वजह से परेशान है? हाँ यार, नहीं बल्कि छोड़ किसी और टॉपिक पर बात। कैसे छोड़, दोस्त हूँ तेरा यार, तुझे ऐसे परेशान कैसे देख सकता हूँ? तुझे पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बैग्स को लेकर रेस्टोरेंट गया था,
और वहां पर बिल देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तुझे पता है कितना ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए वो, कितना अजीब लगा मुझे। तो तू उसको किसी सस्ते कैफे में ले जाता। यार मैं उसको लेकर नहीं गया था, वो मुझे लेकर गई थी और वो भी फोर्स करके। अच्छा यार मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कॉलेज के बाद अब्बू के साथ ना दुकान पर जाऊंगा। एटलीस्ट बंदे की जेब में इतने पैसे तो हो तो किसी रेस्टोरेंट में जाके अपनी मर्जी से कुछ खा भी ले। और खासकर जब बंदे के साथ गर्लफ्रेंड हो। यार वो मेरी गर्लफ्रेंड है। पर तू तो उसका बॉयफ्रेंड है, तो तुझे क्या लगता है सारा कॉलेज छोड़कर वो तेरे पास आती स्टडी करने, और तुझे रेस्टोरेंट में लेके जाने का क्या मकसद था? बोल। पता नहीं, चलो कि यार लेक्चर के लिए बहुत लेट हो गया। ईमान से बहुत बुरी हुई है तेरे साथ। कैसे कह रहा था कि पता करवाओ कौन है ये, कहां रहती है, और ऊपर से जुल्म ये मेरा भाई के वो तेरे घर आटप की और ऊपर से लाला की मेहमान निकली। कातिर, मैं यहाँ पर तेरे मेहमानों से माजरत करने के लिए आया कि कल रात को मेरे भाई ने जो उनकी इंसल्ट की है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे यार माजरत कैसी, रात गई बात गई, मैं तो कब का भूल भी गया ये बात। मगर दावर ये कादिर किस बात पे हंस रहा है ये तो बताओ। हाँ हाँ बताना यार, इनको भी तो बता। अच्छा ओके फाइन, तुम लोगों ने मेरा मजाक क्यों उड़ाना है तुम्हें। अच्छा 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 अच्छा, बैठ जा, नहीं छेड़ते तुझे, सुकून मार यार। वैसे हमारी ये मेहमान देखने में कैसी है भाई? तो पहली नजर पे फ्लैट हो गया था उस पे, क्यों बता, सही कह रहा हूँ ना मैं? यार वो प्यारी तो बहुत है लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। हाँ भाई करना बनता भी है, लाला की मेहमान जो ठहरी। यार दावर तो अपने लाला से इतना डरता क्यों है? दुनिया में मैं सिर्फ दो ही लोगों से, बाबा और लाला। सोच अगर इन दोनों से भी ना लड़ूं तो दुनिया का क्या हाल होगा। खैर सब छोड़, ये बताओ कल का क्या प्लान है तुम्हारा? कल मैं शहर जा रहा हूँ। शहर? फिर शहर? ये आजकल कुछ ज्यादा नहीं जाने लग गया तू, कहीं वहां से भी कोई रिस्पांस तो नहीं आने लग गया तुझे? रिस्पांस मिला तो नहीं है अभी, लेकिन अन करीब मिल जाएगा। ओ तेरी, लगता है भाई ने शहर में भी कमेटी डाल रखी है। भाई की कमेटी तो हर शहर में धरी हुई है, जहां जाते हैं अब सारा छुड़ाते हैं। आखिर दिल फेंक जो है भाई मेरा। दिल फेंक लोगों का जब किसी पर दिल आ जाए तो कयामत बर्पा हो जाती है। वाह क्या शेर बोल रहे। अच्छा खैर वो सरनी शायद थी पार्टी में, thank you.
शुक्र है अम्मी नहीं है, वरना मेरी शामद आ जानी थी। तो क्या मुसीबत है, क्या करती हूँ मैं, जल्दी से इसे उठाती हूँ। ये देख लो, इधर पढ़ोगी नहीं तो फेल हो जाओगे, अगर फेल होगी तो बिल्कुल जिद नहीं करना पढ़ने को। क्या मतलब? मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं है क्या? दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। तुम पढ़ाई में पहले बहुत वीक हो, मुझे डर है कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। फेल और मैं, आई प्रॉमिस यू मैं कभी फेल नहीं होती। अच्छा, फेल ना होने के लिए पढ़ना जरूरी है जो कि तुम नहीं पढ़ती। अच्छा लेट्स मूव, लेट्स गो आउट। कहाँ? पता नहीं कहीं भी ना, मुझे कॉफी पीने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ तो ठीक है, कैंटीन पर चलकर पीते हैं ना कॉफी। देखो मैं इस कॉलेज की बिल्डिंग को देख देख के ना तंग आ गई, मुझे कहीं बाहर जाना है। आई नीड टू फ्रेशन अप माय माइंड, आई स्वेयर। बेक्स आज नहीं, आज मैं बहुत बहुत बिजी। देखो तुम अपने काम खत्म कर लो, फिर हम बाद में चले जाएंगे। प्लीज ट्रीट मेरी तरफ से। आज नहीं, फिर कभी। देखो मना नहीं कर। ओके डन डन डन। मैं जानती हूँ आज आपने मेरी वाली शर्ट क्यों पहनी है, क्योंकि आपको लगता है कि ये देख के मेरा मूड ठीक हो जाएगा। आपको पता है बड़ी बेगम की डांट का मैंने उतना बुरा नहीं बनाया, लेकिन आपकी फोन वाली बेइज्जती से बहुत दुख मिला मुझे। लेकिन आप हैं कि बस हैदर, तुम? हाँ, मैं। ये तुमने? ये तुमने हारिब जी की शर्ट क्यों पहन रखी है? क्यों पहन रखी है? बताओ मुझे, क्यों पहनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात तो सुन। पहनी तुमने? क्यों पहनी ये शर्ट तुमने? बात तो सुन। हाँ? उन्होंने खुद मुझे दी। झूठ बोल रहे हो तुम? वो कैसे दे सकती है तुम्हें ये शर्ट मैंने उन्हें गिफ्ट की थी। मैं अब तुम उनसे खुद ही जाके पूछूं। वो बड़े लोग हैं, के लिए हम जैसे छोटे लोगों के गिफ्ट भी ना मामूली होते। ये शर्ट उनके लिए मामूली नहीं थी। हाँ मगर अब हो गई है मामूली। हारिब जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। एक बार वापस आ जाए फिर पूछूंगी उनसे। ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे मैं नजरअंदाज कर जाऊंगी। क्या हो गया? खैरियत तो? खुद से बातें किए जा रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ, आप बैठे में कर लेते हैं। यानी कि बेगम साहब ने फिर से कुछ कह दिया? वो कुछ कह भी देना तो मुझे बुरा नहीं लगता।
तो फिर हारिफ से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब होगा। बस एक बार वो वापस आ जाएं, फिर पूछूंगी उनसे। ओहो, फिर से कोई नया कारनामा अंजाम दे दिया है ना? हद हो गई अम्मी, आपको हर बात में सिर्फ अपनी बेटी की गलती नजर आती है, किसी और की गलती कभी नजर नहीं आती आपको। हाँ तो फिर बताओ ना, ये मुंह फुलाए हुए क्यों फिर रही हो? अम्मी, मैंने इतनी मुश्किलों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इतने प्यार से उनके लिए शर्ट ली थी, और पता है वो शर्ट उन्होंने उठा के हैदर को दे दी। मेरा तो दिमाग हिल गया वो देख के उसे पहने में। मैं सूट भी नहीं कर रही थी। कौन सी शर्ट? कैसी शर्ट? ओहो, वही शर्ट जो उनकी सालगिरह पे मैंने उन्हें तोहफा दिया था। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए ये बहुत छोटी सी बात है, जितनी हमारी हैसियत। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बात शर्ट की हो रही है, आप हैसियत को बीच में ले आए। आपको हो क्या गया है? रात को भी आप इसी तरह की बातें कर रही थी। आपको पता है ना, हारिफ जी मुझे इस घर की मुलाजमा नहीं समझते। तो फिर क्या समझते? समझाओ मुझे। रहने दें, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये बर्तन कौन उठाएगा? इस लड़की को तो बहाना चाहिए। काम चोर। हिम्मत कैसी है मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, और आप सुनाइए, दुबई में सब ठीक है? दुबई में सब ठीक है। तुम ही बताओ, तुमने मुझे हारिब का नहीं बताया। वो तो उसने मुझे ऑफिस के नंबर से कॉल की, तो मुझे पता चला कि उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मुझे भी नहीं पता था, मेरे लिए भी ये सरप्राइज ही था। चलो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने उसे हिदायत तो दी। मैं आपसे कहती थी ना, हमारा बेटा केयरलेस जरूर है, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं है। नहीं तो बिल्कुल ठीक कहती थी। वो मैंने तनवीर से कह दिया है, वो हारिब को गाहे बगाहे गाइडलाइन देता रहेगा। हाँ, और अपनी प्रॉब्लम्स का बताइए, सॉर्ट आउट हुई कि नहीं? इंशाल्लाह खैर होगी, कुल खैर होगी। ये बताओ, घर में सब ठीक है? बच्चे ठीक हैं? ऑल गुड। बस आपको मिस करती हूँ, प्लीज ट्राई टू कम सून। मिर्ची टू, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। रिमान तो यहां क्यों खड़ी हो? हेलो, तुमसे कह रहा हूं मैं। Is everything okay, Iman? नहीं, मैं okay नहीं हूँ। क्या हो गया? आपने मेरी दी हुई शर्ट हैदर को दे दी। Come on, इतनी सी बात? Iman, मैंने हैदर को काफी शर्ट्स दी थी। अगर वो शर्ट साथ चली गई तो क्या होता है? It's just a shirt, not a big deal. वाह, सिर्फ एक शर्ट है, it's not a big deal. लेकिन, लेकिन वो शर्ट मैंने आपको दी है, it's a big deal. ये तुम्हें क्या हो गया ईमान? कुछ दिनों से तुम बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो, और उस दिन भी तुमने फोन पर कुछ ऐसी ही बात की थी, याद है? तुम मुझे बता सकती हो क्या हो गया? Is there a problem? यानी कि अब मैं आपसे किसी बात का गिला भी ना करूं? गिला करो, जरूर करो, लेकिन किसी जायज बात का, मामूली सी शर्ट का तो नहीं। मामूली सी शर्ट?
अच्छा एनी हो, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, कोई जरूरी बात है तो बताओ। नहीं कोई काम नहीं है, और आप अपना काम कीजिए। ये लड़की भी ना एक शर्ट को इतना बड़ा इशू बनाकर बैठी है। अरे ये क्या भाई, मैं तो आपसे बातें करने आई थी, आप तो सो रहे हैं। मुझे ना बड़ी फिट सी नींद आ रही है। That's not fair. अगर हमें सोना ही था तो फिर हम यहाँ क्यों आए? तो ड्राइवर कर लेते ही, सारा रास्ता एक तो ड्राइव किया मैंने। Listen, अब मैं थक गया हूँ। I think I should better take some rest. बहुत ही बोरिंग हो यार तुम सब लोग, मैं बातें किससे करूंगी? भाई बाहर जाओ, हवेली देखो, आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जिससे तुम बातें कर सको। हाँ, that's a very good idea. वैसे एक बात नोट की है, इस घर पे कितने सारे मुलाजिम हैं? मुलाजिमों का पूरा शहर आबाद है यहाँ। भाई जाहिर है, जितने बड़े लोग हैं इनका रहन सहन भी इनके स्टेटस के मुताबिक ही होगा ना। वैसे एक बात बताओ मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। आई थिंक यू शुड बेटर लीव नाउ। और हाँ, जाने से पहले प्लीज दरवाजा बंद करती जाना। ओके। ये इश्क कभी कुछ ऐसे इम्तिहान ले चलती रहने दी पर जान ले गया, खुद से भी दूर हो गया, इतना मजबूर हो गया, बिखर गई किर्चिया मेरी, ऐसे गिरा चूर हो गया। मैं भटका तेरी राह में, फना हुआ तेरी चाह में। मुट्ठी भर तेरी चाहते, मुट्ठी भर तेरी चाहते, मुट्ठी भर तेरी चाहते, मुट्ठी भर तेरी चाहते, मुट्ठी भर तेरी चाहते। होए तू अभी तैयार नहीं हुआ? मैंने वापस जाने का इरादा बदल दिया। पर क्यों? अब्बा यहाँ थोड़ा सा काम निकल आया था। और जो उधर तेरा काम है वो? अब्बा नया फोरमैन आया वहाँ पर, उसने वैसे ही आजकल ना सबको छुट्टियां दी हुई है। वो देख ले, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। अब्बा अगर तू मुझे नहीं रखना चाहता ना तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, और वैसे भी फैक्ट्री बंद है अब्बा, मैं वहां जाके बोर ही होता रहूंगा। मुझे क्या पता था कि तू मुझसे भी तंग पड़ जाएगा। ओए ओए, कैसी कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है तू? मतलब तो मैं तुझसे तंग हो सकता हूं? अच्छा अब्बा, मैं अंदर जा रहा हूं वहां पे गाड़ी साफ करने के लिए। Excuse me.
क्या आपके दो मिनट मिल सकते हैं मुझे? प्लीज फिलासफी, आपके जितने खूबसूरत नहीं है लेकिन फिर भी प्यार है। क्यों? Because I like you. Listen. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ दावत पर किसी ने आज तक हाथ नहीं उठाया, सुना तुमने? क्या हो गया तुम्हें? चलो वो साहब ने इसे जाने क्यों दिया? जब शेर की रास्ते में गीदड़ आ जाए ना तो उसको रोका नहीं करते, जाने दिया करते, वरना कल को वो शेर भी बन सकता है। बोलो मिसल आ गई। Oh my God, she's here.